अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं कर रही थी शिमला मिर्च स्टोर, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ, मे भी आप में से किसी को मेरी वजह से कोई टिप मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने इन्हें पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया था, अब टिश्यू से इनका मॉइस्चर खुश कर रही हूँ ताकि इसमें अगर कोई भी नमी वगैरह है ना तो वो ड्राई हो जाए। अच्छी तरह हमने इसे पानी इसका सारा खुश कर लेना है और उसके बाद हमने इसकी करनी है कटिंग। हमेशा शिमला मिर्च ख़राब जो होती है ना, तो ये तो हम पंजाबी में से कहते हैं ना डोंडल, डोंडल तो ही ख़राब होनी होती है। तो हमने इसे रिमूव कर लेना है वाइट पार्ट को, अच्छी तरह से हमने कटिंग करनी है। और ये जब भी आपने देखा होगा कि मिर्च ख़राब हो रही है, कभी भी उसे बाहर की साइड से फंगस नहीं लगता, हमेशा इसके बीज जो सीड होते हैं ग्रोइंग पार्ट है ना, यहाँ पर ही इसे फंगस लगेगा और पानी पानी हो जाती है। तो हमने इसका ना ये सारा पार्ट निकाल देना है। वैसे भी अगर आप फ्रेश भी कुक कर रहे हो तो भी आप इसे वाइट पास्ट को ना रखें बीच में ना, मैंने सुना है कि हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। हम इसे रिमूव करके आप कटिंग कर लें, जुलियन कट कर लें, क्यूब कर लें, जैसे आप करना चाहते हैं, जैसे आपने यूज़ करनी है आप वैसे कर लें। मैं जुलियन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्पेगेटी और नूडल्स के लिए ही चाहिए होती है और मैं इसीलिए इसे रखती हूँ फ्रेश। असल में मेरे एरिया में डोर स्टेप पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती नहीं है, तो मैं इस तरह इसे स्टोर करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत हो मैं निकाल के यूज़ कर लूँ। अब मैं इस पर एक लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। लेमन से ये होगा कि इसका कलर एज़ इट इज़ ऐसे ही फ्रेश रहेगा और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप भी ये मेरी टिप आजमा के देखिएगा, आपको भी बहुत फ्रेशली वेजिटेबल घर पर ही ईजीली मिल जाएंगी। अब इसे मिक्स करेंगे ताकि इसके सारी जो स्टिक्स हैं इन सब पे अच्छी तरह लेमन लग जाए। ये जिप लॉक्स बैग हैं, हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ, बहुत इजी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, मल्टी फंक्शनल होते हैं, मतलब आप इसमें कुछ भी स्टोर करें। बॉक्सेस में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बॉक्स में भी करें, मगर ये बॉक्स बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। अब इसे हाथों से प्रेस करके अच्छी तरह हमने इसमें से एयर निकाल देनी है। एयर बबल कोई ना हो इसके अंदर, अच्छी तरह आप सेट कर लें इसे। और इसके बाद हमने इसे जिप लॉक बंद कर देना है, इसका शॉपर का पैकेट का मुंह। ये देखें, मेरी हैबिट है मैं हमेशा छोटे पोर्शन बनाती हूँ ताकि एक बार निकालें और वो हमारे यूज़ हो जाए। फ्रीज़ करें, जब मर्ज़ी यूज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।